नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो में। आज भी एक से एक नई गाड़ियां और सवारियां आपके लिए हम लेकर आए हैं इस शो में। क्या है खास, सबसे पहले वही बताते हैं। टाइम्स ड्राइव शो के आज के एपिसोड में हम चलाने वाले हैं लेटेस्ट Hyundai Verna। बजाज ने लॉन्च की अपनी पल्सर नए अवतार में 160 और 200। और इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े जो भी सवाल हैं उनके जवाब आज के हमारे खास ईवी की एबीसी में। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। हूं अंकुर तनेजा और बगल में आज है मेरे 2023 ऑल न्यू Hyundai Verna, छठे जनरेशन में अपने पहुंच चुकी है। अब कहानी की शुरुआत करते हैं, इसके इस टर्बो इंजन के बारे में बात करेंगे। अराउंड 157 bhp की इसकी पावर है और 253 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क जनरेट करता है। अब इस नई ऑल न्यू 2023 Verna की ड्राइव हैंडलिंग परफॉर्मेंस कैसी है, बात करते हैं उसकी। अब इंजन ऑप्शन, जैसे कि मैं बता रहा था, ये टर्बो वेरियंट आज हमारे साथ है। ज़्यादा समय मैंने टर्बो के साथ बताया है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे जो 1.5 लीटर नेचुरल स्पीड इंजन है इस Verna में, उसको भी थोड़ा बहुत चलाने का मौका मिला है, तो थोड़ा बहुत उसकी बात करेंगे। बट ज़्यादा टर्बो के बारे में, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ड्राइव एंड हैंडलिंग, ओवरऑल इस Verna में कैसी देखने को मिली है उसकी भी बात मैं करने वाला हूं। तो पहले अगर बात करें इस टर्बो 1.5 लीटर इंजन जो इसमें दिया गया है उसकी परफॉर्मेंस कैसा है, तो परफॉर्मेंस मुझे इसका अच्छा देखने को मिला है। शुरुआत में थोड़ा सा टर्बो लैग ज़रूर फील होता है, बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी गाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिखाई देती है एंड टॉर्क भी काफ़ी अच्छा डिलीवर होता हुआ दिखाई देता है। तो परफॉर्मेंस को लेकर इस टर्बो में मुझे कोई शिकायत देखने को नहीं मिली है। पावर डिलीवरी, टॉर्क अच्छा खासा इसकी ड्राइव में देखने को मिलता है और वहाँ पर वो ड्राइव में एक्साइटमेंट भी ज़रूर थोड़ा बहुत पैदा करता है इस परफॉर्मेंस के साथ। तो जो नेचुरल स्पीड इंजन है वहाँ पर भी परफॉर्मेंस, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, सरप्राइजिंगली मुझे अच्छा देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि अगर आप टर्बो की तरफ नहीं जाना चाहते हैं और थोड़े बहुत पैसे बचाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस मुझे उस नेचुरल स्पीड इंजन का भी अच्छा देखने को मिला है। उसमें मुझे कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी और टॉर्क देखने को नहीं मिली है। स्पेशली सिटी और थोड़ी बहुत हाईवे ड्राइव्स के लिए ये इंजन काफ़ी अच्छा मुझे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ड्राइवर हैंडलिंग की बात करें तो स्टीयरिंग फीडबैक काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, वहाँ पर भी कोई दिक्कत मुझे इसमें देखने को नहीं मिली है। और इसके साथ साथ जो कैबिन में इंसुलेशन है वो भी अच्छा देखने को मिला है। बाहर का बहुत ही मिनिमम नॉइज आपको सुनाई देगा, तो वहाँ पर भी NVH लेवल्स को लेकर कोई दिक्कत मुझे Verna में देखने को नहीं मिली। थोड़ा बहुत इशू मुझे लगता है जब इस गाड़ी को मैं तेज़ चला रहा था, ज़्यादा तेज़ रफ्तार में मैं था, तो वहाँ पर गाड़ी को ज़्यादा पुश करते वक्त मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था, तो वो एक चीज़ मुझे थोड़ी बहुत लगी है। तो वहाँ पर ड्राइव और हैंडलिंग को लेकर मुझे लगता है थोड़ा सा संकोच आप कर सकते हैं, जो कि मुझे भी चलाते वक्त इसको महसूस हुआ है। कंफर्ट की बात करें, जहाँ पर सस्पेंशन सेटअप और सीट दोनों की बात मैं करता हूँ, सस्पेंशन सेटअप जो है वो भी काफ़ी बखूबी अपना काम करता है। छोटे मोटे गड्ढे जो हैं वो तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होंगे। इनकेस कोई बड़ा गड्ढा या सडन स्पीड ब्रेकर आता है तो वहाँ पर हल्का सा झटका महसूस होता है, बट ओवरऑल कंफर्ट को लेकर मुझे लगता है सस्पेंशन में काफ़ी अच्छा काम करा गया है। वेल बैलेंस्ड मुझे इसका सस्पेंशन सेटअप देखने को मिला है। सीट कंफर्ट थोड़ा सा और मुझे लगता है बेटर हो सकता था, थोड़ी सी स्टिफ फील होती है। सिटी में अगर थोड़ा बहुत आप चला रहे हैं तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, बट इन केस आप लॉन्ग ड्राइव्स के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल, स्पेशली जो फ्रंट रो सीट्स हैं वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा अनकम्फर्टेबल लॉन्ग ड्राइव्स में महसूस हो सकता है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर डिज़ाइन, क्या क्या बदलाव यहाँ देखने को मिलते हैं इस नई 2023 Verna के अंदर। सबसे पहले फेस जो है इसका कम्प्लीटली बदल गया है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो व्हील्स जो इसमें दिए गए हैं 16 इंच के हैं और 205 सेक्शन के हैं, जबकि जो बेस और बेस से ऊपर वाला जो वेरियंट है वहाँ पर 15 इंच के व्हील्स दिए गए हैं। अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल नहीं करा गया है। एंड ये जो टर्बो वेरियंट है इसमें जो है अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी अलग है और रेड ब्रेक कैलिपर्स इसमें फ्रंट में दिए गए हैं। ऑल फोर डिस्क ब्रेक वाला भी ऑप्शन है, जो कि सिर्फ इसके DCT वाले वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा जो टर्बो के साथ आता है। ये जो है टर्बो के साथ मैनुअल वाला वेरिएंट है। इसके अलावा पीछे की तरफ आएँ तो शार्क फिन एंटीना है, एंड शार्क फिन एंटीना बेस वेरिएंट के अलावा बाकी सभी वेरिएंट में देखने को मिलता है। एंड इसमें जो है टेल लाइट भी यहाँ पे अब बिल्कुल नई डिस्टिंक्ट मैं कहूँ इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन यहाँ देखने को मिल रही है।
अंदर का जो मामला है वो एक नहीं मैं कहूँ कि दो लेवल अब चला गया है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन जो अब इस नई Hyundai Verna का देखने को मिल रहा है। गाड़ी को पहले स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो है 1.5 टर्बो में 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन है, एक डीसीटी का भी ऑप्शन इस 1.5 टर्बो के साथ आता है। एंड इसके अलावा फीचर्स की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर इसका ये स्क्रीन दिया गया है 10.25 इंच का। अब जो बेस वेरियंट है वहाँ पर 8 इंच का स्क्रीन है, 10.25 इंच का नहीं। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बेस में वो भी डिजिटल देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे इसमें ऑटो स्टार्ट स्टॉप का जो फीचर दिया गया है, लेन असिस्ट जैसे फीचर्स जो ADAS लेवल 2 के तहत अब इसने Hyundai Verna में दिए गए हैं उनका भी डिस्प्ले यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे स्टीयरिंग में उसका कंट्रोल भी लेफ्ट साइड में दिया गया है। इसके अलावा नीचे की तरफ आए, एक जो नया यूनिक सा फीचर Hyundai ने इस नई Verna में दिया है वो है इसका जो पैनल है ये वाला, यहाँ पे इसको आप स्विच कर सकते हैं, इसको आप एज एन इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको दोबारा बटन को दबाएंगे तो ये AC कंट्रोल के स्विच में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आप इसके AC कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो सिंगल यहाँ पैनल दिया गया है और इसको आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज़ वेरी फंक्शनल आई बिलीव। नीचे आएँ तो हीटेड और कूलिंग सीट्स का भी ऑप्शन टॉप वेरियंट्स में देखने को अब इस नई Hyundai Verna के मिलने वाला है। एंड पावर विंडोज कंट्रोल राइट साइड में एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेड वो अभी हम यहाँ देखने को मिलते हैं। एंड इसमें जो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वाला फीचर ADAS के तहत अब इस नई Hyundai Verna में देखने को मिलता है। Hyundai कह रही है कि अब इस नई Verna का जो व्हील बेस है वो भी बेस्ट इन सेगमेंट हो गया है। अब उसकी वजह से स्पेस Hyundai कह रही है थोड़ा पीछे बेटर हुआ है, कितना बेटर हुआ है एक बार उसको भी देख लेते हैं। अब सेकेंड रो स्पेस की बात करें तो स्पेस यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लेग रूम, लेग स्प्रेड करने की जगह है, थाई सपोर्ट एंड हेड रूम के हिसाब से मुझे अपनी हाइट के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल रहा है। और स्पेस जो है सेकेंड रो में तो बड़ा है व्हील बेस बढ़ने के साथ साथ, लेकिन Hyundai कह रही है कि जो बूट स्पेस है वो भी बेस्ट इन सेगमेंट हो गया है, कितना है एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो बूट स्पेस अब इस जो नई Hyundai Verna में देखने को मिलता है वो है 528 लीटर्स का, एंड यस बेस्ट इन सेगमेंट बूट स्पेस यहाँ पर इस नई Hyundai Verna में देखने को मिलता है। एंड मामला यहाँ पर भी सेकेंड रो के साथ साथ इन टर्म्स ऑफ स्पेस सॉर्टेड जरूर फील हो रहा है। अब ओवरऑल एज द पैकेज ये नई 2023 ऑल न्यू Hyundai Verna कैसी है? सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन मामला सब्जेक्टिव है, पर मुझे इसका डिज़ाइन यूनिक और डिस्टिंक्ट देखने को मिल रहा है। सेगमेंट में कोई और ऐसी गाड़ी नहीं है जिसका डिज़ाइन इस तरह से देखने को मिलता है। एंड इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन मुझे लगता है ये गाड़ी बाकी सभी गाड़ियों से स्टैंड आउट ज़रूर करती है। एंड गाड़ी का जो प्राइस है, इसकी कीमत जो स्टार्ट हो रही है वो है अराउंड 10,89,000 के आसपास का प्राइस स्टार्ट हो रहा है, जो 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। और जो वेरियंट्स मैंने इसके चलाए हैं, इसका SX वेरियंट जो कि IVT वाला मैंने चलाया है, उसका प्राइस है अराउंड 14,23,500 रुपीज़ एक्स शोरूम। और जो मैंने इसका टर्बो मैनुअल वेरिएंट चलाया है उसका प्राइस है 15,98,900 रुपीज़ एक्स शोरूम। सो मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ कि परफेक्ट पैकेज इसका कौन सा वेरिएंट आपके लिए बन सकता है, तो उसमें दो राय है या दो तरह के लोग मुझे लगता है शामिल हो सकते हैं। एक जिनको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए और साथ ही साथ फीचर्स भी पूरे गाड़ी में चाहिए, तो वहाँ पर आपके लिए इसका टर्बो वाला वेरिएंट ही सही है, और उसके साथ साथ आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस पे करने के लिए भी उसके तैयार हैं। लेकिन अगर आपको फीचर्स चाहिए, सारे तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द फीचर्स आपको चाहिए, और परफॉर्मेंस भी आपको सिटी और हाईवे ड्राइव के हिसाब से अच्छा चाहिए, तो मेरा मानना है कि इसका SX वेरिएंट आपके लिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा पैकेज ज़रूर बन सकता है। हेलो वेलकम टू टाइम्स ड्राइव, मेरा नाम है प्रशांत सिंह एंड जैसा कि आप देख सकते हैं हम हैं एक रेस ट्रैक पे एंड टुडे आई हैव विद मी द ब्रांड न्यू बजाज पल्सर NS200 एंड द पल्सर NS160। वेल जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर कलर एंड ग्राफिक्स का एडिशन तो हुआ ही है, बट लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द पल्सर NS160 बिकॉज चेंजेस आर मोर सिग्निफिकेंट ऑन दिस बाइक। आगे की साइड आपको USD फ्रंट फोक मिलते हैं, नीचे आपको बिगर डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, एंड अगर ऊपर की साइड चलें
तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है इट नाउ कम्स विद एडेड इन्फॉर्मेशन ऑफ गियर पोजीशन इंडिकेटर एज वेल। इंजन आपका ऑयल कूल बन चुका है, इसके साथ साथ आपको इस बाइक में फैटर टायर्स भी मिलते हैं फॉर मोर ग्रिप, हैंडलिंग एंड परफॉर्मेंस। इन सारे चेंजेस की वजह से द वेट गेन ऑन दिस मोटरसाइकिल इज नाउ 1 kg। मौके का इस्तेमाल करते हुए बजाज ने ड्यूल चैनल ABS को भी इंट्रोड्यूस किया है एंड इसके साथ साथ नई पल्सर बाइक्स अब BS6 स्टेज 2 कंप्लायंट भी बन गई हैं। सो जस्ट लाइक द पल्सर NS160, सिमिलर चेंजेस आपको इस गाड़ी में भी देखने को मिलेंगे द NS200, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट इट ऑलरेडी हैज द बिगर डिस्क ब्रेक एंड बिगर टायर्स। सो की चेंज की बात करेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी इट्स USD फ्रंट फोक, जिसकी वजह से दिस मोटरसाइकिल हैज बिकम लाइटर बाय 3 kg। पल्सर NS160 की बात करें तो इसको मिलता है एक 160cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन जो डिलीवर करता है लगभग 17 bhp एंड 14.6 nm ऑफ टॉर्क एंड ये आता है एक 5-speed ट्रांसमिशन के साथ। भागने में तेज तर्रार NS160 का इंजन वही स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव यूनिट है जिसमें कोई बदलाव नहीं। बदलाव की बात करें तो नए सस्पेंशन के यूज से बाइक के राइडिंग बिहेवियर एंड फ्रंट एंड फील में काफ़ी सुधार आया है। इसके साथ साथ फ्रंट ब्रेकिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है थैंक्स टू अ बिगर 300mm डिस्क ब्रेक। तो अब इम्पॉर्टेंट पार्ट, दोनों मोटरसाइकिल्स का आपको एग्जॉस्ट सुनाता हूँ वन बाय वन। तो दिस इज द स्मॉलर पल्सर NS160। एंड ये रही द बिगर पल्सर NS200। ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा सिमिलर है बट आई थिंक इसके अंदर बेस थोड़ा 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 सा टोटल इसका ज़्यादा थ्रोटी है। NS160 से 200 पे बैठते ही पावर का चेंज बहुत हद तक फील होता है, वैसे होना भी चाहिए क्योंकि इंजन भी बड़ा है एंड पावर भी। इसे मिलता है 199cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन अलोंग विद अ 6-speed ट्रांसमिशन। मोर देन द 160 इट हैज अ बेटर टॉप एंड एंड रेव्स ऑल द वे अप टू 9 to 10,000 RPM। जस्ट लाइक द 160 द न्यू 200 ऑल्सो फील्स लाइटर टुवर्ड्स द फ्रंट एंड and has a more fluidic handling that loves to stick to the racing lines. However, non-switchable ABS at the rear wheel was something that kept me bothering, especially when I had the chance to play around the track. So, in sare naye changes ke wajah se, Pulsar NS range ko ek nayi mazbooti mili hai. And these bikes are more prepared to take on the segment rivals. वेल प्राइसिंग की बात करें तो NS160 विल कॉस्ट अराउंड 1.34 लाख एक्स-शोरूम वाइल द बिगर NS200 विल सेट यू बैक बाय 1.47 लाख एक्स-शोरूम। वेल व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस बाइक्स, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव पॉडकास्ट में, जो एक स्पेशल एपिसोड आज होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ एक जो सवाल पुराने पड़ गए थे उनको बदल के उनकी जगह कुछ नए सवाल हम जवाब उनका देने की ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा ये भी कि केवल मैं ही जवाब नहीं दूंगा, हमारे साथ एक खास मेहमान भी है, अमित भट्ट जो हैं डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन। हम जो डिस्कस कर रहे थे, मैं और अमित जनरली डिस्कस कर रहे थे इस मुद्दे पर कि हम लोग रेंज एंग्जाइटी की बात करते हैं, चार्जिंग नेटवर्क की बात करते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें लगता है कि ये डिस्कशन अब नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में अब ज़्यादा डीप सवाल आ गए, ज़्यादा इन्फॉर्म्ड सवाल आ गए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। बड़ा मोस्टली जो रॉ मटेरियल है बैटरी का, उसके ऊपर मोनोपोली चाइना की है या जो भी अफ्रीका के जिस ट्राइंगल से सारा सामान निकल कर आता है वो भी बहुत क्लीन या एथिकल तरीके से शायद निकल कर नहीं आता है।
उसे हम हाउ डू यू सी इट? नहीं, एब्सोल्युटली. सो दो सवाल हैं. एक तो द क्वेश्चन है कि क्या हम अपनी एनर्जी, सो अभी आप देखें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट 90% हम इंपोर्ट करते हैं. तो सवाल यह था क्या हम वो इंपोर्ट एक पर्टिकुलर कंट्री से शिफ्ट करके दूसरी पर्टिकुलर कंट्री में चले जाएंगे जो हम इलेक्ट्रिक में जाते हैं. तो हमको ये समझना कि एक होता है सप्लाई चेन. सप्लाई चेन पे एक पर्टिकुलर कंट्री का कंट्रोल है अभी, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे मटेरियल वहाँ पैदा होते हैं. मटेरियल तो आपके लैटिन अमेरिका में हो रहे हैं, अफ्रीका में हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं और कई जगह हो रहे हैं. आज वो एक पर्टिकुलर कंट्री में प्रोसेस होता है, कल वो हमारे यहाँ पे प्रोसेस हो सकता है. तो हमको वो सप्लाई चेन पे अपना अधिकार थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, जो कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद ट्रांसपोर्ट. सो वो एक है. सेकेंडली, कई जगह माइनिंग होती है. अफ्रीका कई कंट्रीज के एग्जाम्पल दिए जाते हैं जहाँ चाइल्ड लेबर वगैरह इस्तेमाल होता है. अब मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि अब पेट्रोलियम की अगर आप देखें किस तरह से एक्ट्रैक्ट होता है, उसमें भी सारे इश्यूज हैं. बट सवाल वो नहीं है. सवाल ये है कि जब हम बैटरी मटेरियल्स की को हम दूसरे कंट्री से लेंगे, हम उसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं दैट वी कैन क्लीन द प्रोडक्शन. अभी ये बड़ा अनऑर्गेनाइज है, तो ये सारे इश्यूज आने हैं. कल को जब ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, और जैसे जैसे बड़ी कंपनियां आएंगी इसमें ये और ऑर्गेनाइज होता चला जाएगा. आई गेस उसमें वो वाली जो लाइन आपने बोली थी अच्छे, आई मीन रेलेवेंट लाइन है कि जब हम लोग ऑयल ढूंढ रहे थे तो ऑयल मिल रहा था, अब लिथियम ढूंढ रहे हैं तो लिथियम मिल रहा है. बिल्कुल. अभी आपने पढ़ा ही होगा न्यूज़पेपर में कि जम्मू कश्मीर के पास एक बड़ा रिजर्व इंडिया में मिला है लिथियम का, जो शायद भारत में, वर्ल्ड में शायद तीसरा या चौथा लार्जेस्ट रिजर्व होगा. और लास्ट वीक ईरान के पास एक काफ़ी बड़ा रिजर्व मिला है. तो कई साल पहले तक हम पेट्रोल या डीजल या ऑयल ढूंढते थे तो हमको ऑयल मिलता था. अब हम मिनरल्स ढूंढ रहे हैं तो हमको मिनरल्स मिल रहा है. और मुझे लगता है और ऐसे रिजर्व डिस्कवर होंगे जिससे दिस होल इशू कि मिनरल्स इंडिया में है कि नहीं, कहाँ से आएंगे, वो शायद बहुत क्लियर होगा आने वाले समय में. रेंज और इन सब के बाद अब जो जिस तरह के लोग सवाल कर रहे हैं उसमें किया कि फास्ट चार्जिंग कितना हेल्दी होता बैटरी के लिए. तो अभी अगर हम यूएस का डेटा देखें तो यूएस एनर्जी के हिसाब से 85% कार यूएस में होम चार्ज होती है, विच इज़ टिपिकली स्लो चार्जिंग. इंडिया में भी अगर आप देखें जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स का डेटा है तो 90-95% होम चार्जिंग होती है. डेस्टिनेशन चार्जिंग पर्सनल ट्रांसपोर्ट में हमेशा ही ज़्यादा रहेगी. फास्ट चार्जिंग पर्सनल यूजर्स में तभी आती है जब आपको अनप्लान ट्रिप करनी होती है या कुछ लंबा ट्रैवल करना है, तो तब आप फास्ट चार्जिंग यूज़ करेंगे. सो पर्सनल केस में मुझे नहीं लगता 15-20% से ज़्यादा आप फास्ट चार्जिंग यूज़ करेंगे. डेस्टिनेशन चार्जिंग करेंगे तो आप स्लो चार्जिंग यूज़ करेंगे. दूसरा सवाल होता है कि क्या उससे बैटरी पे इम्पैक्ट पड़ता है. सो यूएस का या यूरोप का हम डेटा देखें तो वहाँ फास्ट चार्जिंग काफ़ी प्रेवलेंट है, कोई सब्सटेंटिव इम्पैक्ट नहीं होता बैटरी पे. बैटरी पे इम्पैक्ट उससे ज़्यादा होता है कि आप किस लेवल पे रिचार्ज करते हैं. तो आप हर टाइम अगर आप 4-5% पे ले आए और फिर आपने 100% रिचार्ज किया, ये साइकिल फॉलो करेंगे तो बैटरी लाइफ जल्दी ख़राब होगी. अगर आप टॉपअप करेंगे यानी 40-45% से आप 70-75-80% करते रहेंगे तो लाइफ बैटरी की ज़्यादा है. अगर आपके घर के आसपास चार्जिंग पॉइंट है और आप मेरी तरह मल्टी स्टोरी में नहीं रहते हैं, बहुत ऊंची उसमें नहीं रहते हैं फ्लैट्स में, तो फिर आपको अपनी फर्स्ट कार के तौर पर भी ऑप्शन के तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखना चाहिए. लेकिन मैं उनको ये बोलता हूँ कि ये ध्यान रखिए कि आपके घर के पास चार्जिंग वैसा नेटवर्क हो. ये सलाह जो मैं देता हूँ आपको, आप उससे सहमत हैं या आपको लगता है कुछ और इसमें ऐड करना चाहिए मुझे? सो आई थिंक बिगेस्ट प्रॉब्लम मुझे जो लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल अपटेक में, पर्सनल यूज में, कि सरकार, आप इलेक्ट्रिक कार से आए? मैं इलेक्ट्रिक कार पार्क करके मेट्रो से आया. अच्छा. तो मेरी जर्नी फुली इलेक्ट्रिक है. बहुत बढ़िया. बट बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है कि कितने पब्लिक, ना कि कितने पब्लिक चार्जिंग है, बट आप प्राइवेट चार्जिंग कर पा रहे हैं कि नहीं. सो मैं भी एक मल्टी स्टोर में रहता हूँ. मैं भी अपने RWA से पिछले 9 महीने से जूझ रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रिक पॉइंट दे दो जिससे मैं अपने पार्किंग में गाड़ी चार्ज कर सकूँ, और वो नहीं दे रहे हैं. क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे भी आज तक कोई रियल आंसर समझ में नहीं आया. उनका ये है कि वो मीटर लगाएंगे, फिर वो मीटर की रीडिंग कौन लेगा, उस पर वो सारा चल रहा है. सो गाड़ी सो अगर आपके पास पार्किंग है और आपके पास एक 15 एम्पियर के प्लग है, आपकी लाइफ सेट है चार्जिंग में. सो मेरे एक फ्रेंड हैं जो 22nd फ्लोर पर रहते हैं गुड़गांव में, उन्होंने गाड़ी ली और उनका RW तो नहीं, पर डेवलपर
ने कहा कि हम नहीं देंगे आपको प्लग पॉइंट, तो उन्हें 21वें फ्लोर से तार गिराया है नीचे पार्किंग में, और उससे वो चार्ज कर रहे हैं, डेवलपर को उससे परेशानी नहीं है। अब वो समझिए उस तार का जो रेजिस्टेंस है उनकी गाड़ी का 1-2 रुपए पर यूनिट, तो उसी से बढ़ गया रेट। तो आई थिंक ये जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगे, ठीक है कुछ इंसिडेंट्स में है, बट क्या पेट्रोल या डीजल गाड़ियों में आग नहीं लगती? क्या सीएनजी गाड़ी, आप तो हमने जब ट्रांजिशन किया था दिल्ली में सीएनजी, कितने सारे केसेस हुए दिल्ली को छोड़ के बाकी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स में, अगर आप देखें किसी ने आज क्लियर कट गाइडलाइन नहीं निकाली है कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग कैसे होगी। सो दिल्ली गवर्नमेंट ने निकाली थी, दिल्ली ने निकाली है, उन्होंने एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया, लेकिन मैं गुड़गांव में रहता हूँ वहाँ पर नहीं है। सो अगर हम, और इट्स ये बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है, इट्स मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। हमने कोशिश की आपके सभी सवालों के जवाब देने की, और साथ में हमारे दिमाग में भी जो सवाल थे वी वांटेड टू डिस्कस, दैट्स व्हाई आई कॉल दिस पॉडकास्ट। और जाते जाते आपको याद दिला दें कि ये दरअसल शुरुआत है, विल बी डूइंग दिस सीरीज कॉल्ड ईवी की एबीसी, जिसमें आपके जो जो यू नो यूजर सेंट्रिक कंज्यूमर सेंट्रिक डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मेंटेनेंस सेंट्रिक जो भी सवाल होंगे, हम उनको उनके जवाब लाने की कोशिश करेंगे उसी सीरीज़ में, जो आप ऑब्वियसली YouTube पे देख सकते हैं, Facebook और Snapchat के ऊपर भी देख पाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, और आप सभी का शुक्रिया इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। तो टाइम्स ऑफ शो में आज इतना ही। कैसी लगी ये जो गाड़ियां सवारियां हम आपके लेकर आए हैं, उनके बारे में कोई सवाल है, फीडबैक है, तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। अगर कोई सवाल या कन्फ्यूजन है तो वो भी आप ज़रूर भेजिए, हम कोशिश करेंगे उन्हें दूर करने की। और ये भी वादा कि अगले हफ्ते कुछ और नई गाड़ियां सवारियां हम लेकर आएंगे आपके लिए टाइम्स ड्राइव शो के अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफली।